प्रथम प्रश्न को हल करते हैं। वह कौन सा जीवन है जिसे सफल माना जाता है? ऐसे तो हर व्यक्ति कहता है कि मेरा जीवन सफल है। कोई नौकरी पा गया वो भी कहता मैं सफल हो गया। किसी की शादी हो गई कहता हम भी सफल हो गए। किसी के बच्चे हो गए तो बोलता हम ज़्यादा सफल हुए। और किसी की पोती पोता हो गए तो बोले हम तो पूरा सफल हो गए। जो पोती पोता ने लीप पोत के बराबर कर दिया तो कहते हम पूरा फेल हो गए। सफलता है क्या चीज? कबीर साहब कहते हैं जीवन उनका सार्थक है जिनके जीवन में तन मन और वचन। ओह तीन बातें, तन मन वचन तीनों पवित्र है। तन थिर मन थिर वचन थिर सुरत निरत थिर होए, कहें कबीर व पलक ही कलब बराबर हो। एक एक शब्द को ध्यान से समझना, ये संत कबीर की वाणी है। और कबीर एक ऐसे संत हैं जिनके ज्ञान का लोहा संसार के सभी ज्ञानी मानते हैं। भाषा तो उनकी ग्रामीण है लेकिन भाव उनका बहुत ऊंचा है। कबीर साहब हर बात को बड़े विचित्र ढंग से पेश करते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। जिनको बड़े होने का घमंड होता उनको मारा है चोट कबीर ने कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। कबीर कहते खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है लेकिन बड़ा हुआ तो क्या हुआ। पंथी को छाया नहीं, रास्ता चलने वाले को छाया नहीं मिलती है क्योंकि इतना ऊंचा पेड़ है, उसकी छाया भी कहीं गड्ढों में कांटों में दूर पड़ती ही जाकर थोड़ी छाया। अब फल ला गई अति दूर, उसके फल भी तोड़ना मुश्किल, इतना ऊंचे कौन चढ़े। तो बोले कबीर की ऐसा बड़प्पन किस काम का जो किसी के काम ही ना आ सके। उससे तो अच्छी सुई है जो तुम्हारा फटा हुआ कपड़ा सिल देती है, उससे अच्छी सुई है जो तुम्हारे चुभे हुए कांटे को निकालकर बाहर कर देती है, उससे अच्छी सुई है जो रजई और गद्दे सिलकर भी तुम्हारे काम आ जाते हैं। याद रखना ये किस काम का बड़ा होना है जो किसी के काम ना आ सके। कबीर साहब की ऐसी ऐसी बातें सुनकर के लोग मुस्करा देते हैं कि है जोरदार। फिर कबीर साहब ये भी कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बोले ना ही विचार हते पराई आत्मा जीभ बांधे तलवार। कबीर साहब कहते हैं बड़े हुए तो क्या हुए, बोलने की सहूर नहीं है, जीभ में तलवार बांध करके ऐसी बात बोल रहे लोग घायल हो रहे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, तलवार की धार भी सह लेता है आदमी, गोली की बौछार भी सह लेता है आदमी, पर सबसे गहरा असर करती है यह बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी, बोली की मार नहीं सह पाता है आदमी। सूल कुल से असी अंगमन हारे ते रतिनाथ सुमन सर मारे। जिस समय आप संकट में होते हैं उसमें आपको कौन मदद करता है? उसमें जो तुम्हारी मदद करता है वो भगवान का रूप ही होता है। याद रखना जो स्वार्थ को जीत सकता है वही परमार्थ के पथ पे चल सकता है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है।
संत कबीर कहते हैं, जिसने अपने शरीर को जीत लिया है, ये शरीर हड्डी मांस का पुतला है, ये लेकिन ये शरीर भी बहुत हरकत करता है, ये शरीर भी चंचल है, ये शरीर की इंद्रियां, ये आंखें बहुत चंचल है, क्या क्या देखना चाहती हैं आंखें, क्या क्या सुनना चाहते हैं तुम्हारे कान, क्या क्या स्वाद लेना चाहती है जीवा, और क्या क्या गाना गाना चाहती है जीवा। कैसे कैसे लोग गाना बनाते हैं, किस किस तरह के गाना गाते हैं, और सुनने वाले भी उसी मॉडल के मिल जाते हैं, वो भी बैठे रहते हैं, बहुत खुश होते हैं लोग। अश्लील गीत, अभद्र गीत, गंदे गीत बनाने वाले का मन भी खराब है, गाने वाले का मन भी खराब है, और सुनने वाले का मन भी खराब होता चला जाता है। बड़ी विचित्र बात है। मन मारो बांदरों रे, घनी छलांगा मारे, ऐसे शब्दों को मत सुनो जिससे मन चंचल होता है। और जो मन को वश में कर लेता है, वैज्ञानिक जब मन को वश में करता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में नई नई खोज करता है। एक विद्यार्थी जब मन को वश में करता है, तो अपने क्लास में प्रथम स्थान लाता है। एक साधु जब मन को वश में करता है, तो साधना में उच्च कोटि का महान संत बन करके पूरे संसार को संदेश देने लग जाता है। मन को वश में करना बहुत कठिन नहीं है, असंभव भी नहीं है। जहां मन को लगाना चाहते हो, सबसे पहले वहां रुचि पैदा करो, इंटरेस्ट पैदा करो। यदि आपका इंटरेस्ट है, तो आपका मन वहीं लग जाएगा जहां इंटरेस्ट है आपका, आपकी रुचि जहां जहां। एक विद्यार्थी कहता है, मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता है। लेकिन उस विद्यार्थी को बारीकी से देखो, उसका मन कहाँ लगता है? यह तो खेल कूद में लग रहा है, यह तो मोबाइल में लग रहा है, यह घूमने में लग रहा है। और कितने लोगों का स्वभाव घुमक्कड़ हो जाता है, घूमते रहते। उनसे पूछो, कहाँ गए थे? बोले घूमने गए थे। कहाँ घूमने गए थे? बोले गांव घूमने गए थे। क्यों घूमने गए थे? बोले घूमने गए थे। तो क्यों घूमते हो? बोले घूमते हैं इसलिए घूमते हैं। और क्यों घूमते हैं? उनको खुद पता नहीं क्यों घूम रहे हैं। घूम घूम कर घुमक्कड़ नाथ बनकर अपना टाइम खराब कर रहे हैं। घूमने की आदत बन गई तो याद रखना, अपने द्वार पर तुम रुकोगे नहीं, अपनी दुकान पर नहीं रुकोगे, अपनी दुकान से उठकर दूसरे की दुकान पर घूमने चले जाओगे, अपने घर से निकलकर दूसरे के घर घर घूमोगे जाकर। और जो लोग सबके घर घूमते हैं ना, तो रिजल्ट क्या होता है? फिर उनका घर ही पूरा घूम जाता है। दोबारा लौट कर आते हैं तो घर घूमा हुआ मिलता है, सब घर में उलट पलट हो गया। और कितने लोग ऐसे जो ससुराल में घूमते हैं, वहां क्यों घूमते हैं? वहां कोई साली वाली है, वो छोटी साली, वो बोल देती है, जीजा जी, जीजा जी, बस पागल बने बैठे हो। जीजा कहलाने में जी जा, जी लेकर जा, जो ले गया जीजी को बन गया जीजा जी, वो जीजा जी है। कोई साला हुआ, उसने बोल दिया जीजा जी आए हैं, बहुत खुश हैं। ऐसे ऐसे शब्द भी लोगों ने ढूंढा है, जीजा जीजी, साला साली, सासू,
सासू का नाम लेते ही सांस रुक जाती है। कितने विचित्र शब्द, ससुराल जहां नाम लिया बुढ़ापे में भी आदमी उठकर खड़ा हो जाता कि किधर है मेरी ससुराल। 80 साल का बूढ़ा खाट पर लेटा हो, 6 दिन से उठा ना हो और उससे तुम समाचार सुना दो कि तुम्हारी साली आई है, एक झटके उठकर खड़ा होता, किधर है भाई बताओ। इतने आकर्षण है इन शब्दों में। पर मैं कहूंगा खाम खा घूमने के लिए भी ससुराल बत जाइए, मेला हाट घूमने की भी आदत छोड़िए, समय का सदुपयोग कीजिए। घूमने में समय बर्बाद होता है और घूमने में आदत बिगड़ जाती है। और कितना ही घूम लो, पूरी दुनिया घूम लो, स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा अपनी खोपड़ी को पूरे विश्व के कोने कोने में घुमा दो फिर भी तुमको शांति नहीं मिलेगी। शांति उस दिन तुमको मिलेगी जिस दिन अपनी खोपड़ी को बुराइयों से अच्छाई की ओर घुमा लोगे, कुसंगत से सत्संगत की ओर घुमा लोगे, उसी दिन घर बैठे तुमको शांति मिल जाएगी। इसलिए घुमक्कड़ स्वभाव भी कंट्रोल कीजिए और कबीर साहब कहते हैं जिसका तन स्थिर हो गया उसका जीवन सार्थक हो गया। तन स्थिर होने का अर्थ क्या है? मनुष्य के शरीर में 3 दुर्गुण होते हैं, चोरी, हिंसा और व्यभिचार। मनुष्य चोरी करता है, यदि चोरी से आपने मन को रोक लिया है, इस शरीर को कंट्रोल कर लिया, आपके मन में चोरी का भाव आता है लेकिन आप अपने हाथों को चोरी के लिए आगे बढ़ने नहीं देते हैं, तो समझ लो आप अपनी जिंदगी को सार्थक बनाना शुरू कर चुके हैं। कभी कभी मन में भाव आ जाता है लेकिन आप उस भाव के अनुसार कार्य नहीं करते, मन में दुर्भाव आ जाता है, कुभाव आ जाता है, और कभी कभी मन में हिंसा करने की भावना आती है कि मार दूं किसी को, लेकिन अपने हाथों को तुम ब्रेक लगा लेते हो कि नहीं, किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। मन में तो इच्छा हो रही कि मारूं, इसको कूटूं, ठोकूं, लेकिन न ठोकते हो, न कूटते हो, न पीटते हो, दांत पीस के रह जाते हो, ये हाथ नहीं उठाऊंगा। ये तुम्हारी बहुत बड़ी जीत है। और तीसरी चीज है व्यभिचार। कितने लोगों के मन में व्यभिचार की कुभावना आती है लेकिन फिर अपने मन को, इंद्रियों को रोक लेते हैं कि नहीं नहीं ये गलत काम ऐसा नहीं करेंगे। अरे कितना नाम खराब हो जाएगा। चोरी की इच्छा हुई कि किसी के चप्पल चुरा लो, और सत्संग में चप्पल चुराते खूब बनता है क्योंकि लोग चप्पल बाहर निकाल कर इधर बैठ जाते हैं, पर सत्संग में जो चप्पल चुराता है उसको 7 जन्म तक चप्पल पहनने वाले पैर नहीं मिलते हो, पशु पंछी बनता है। और सत्संग में जो किसी महिला की गले की चेन चुराता है उसको 7 जन्म तक दिल में चैन नहीं मिलती है, वो बेचैन ही रहा करता है, क्योंकि सत्संग में जो तुम चोरी करते हो उस चोरी का दुष्प्रभाव जो महान संत गुरुदेव बैठे हैं उनके ऊपर चला जाता है। लोगों के मन में भावना होती इतने बड़े गुरुदेव फिर भी मेरे चप्पल चोरी कैसे हो गए। गुरुदेव के प्रभाव को तुम कम कर देते हो। ये 10-50 रुपये के चप्पल के लिए तुमने गुरुदेव के इंप्रेशन को खत्म कर दिया। गुरुदेव के प्रति लोग आस्था लेकर आए हैं, महिलाएं सब आई हैं श्रद्धा लेकर, अगर इनकी चैन गायब हो जाए तो गुरुदेव का
प्रभाव कम हो जाता है। और जिसके कृत्य से, जिसके कार्यों से, जिसकी एक्टिविटी से गुरुदेव के प्रभाव में बाधा पड़ने लग जाए, तो याद रखना उसको 7 जन्म तक प्रभावहीन जिंदगी जीना पड़ता है, उसका प्रभाव 7 जन्म तक रहता ही नहीं। इसलिए ऐसा कोई कार्य सत्संग में मत कीजिए जिससे गुरुदेव का प्रभाव कम हो जाए। यदि किसी की रुपये गिरे हुए मिल जाए, व्यासगादी पर लाकर अनाउंस करवाइए किसी का पर्स मिला है, जिसका हो ले जाइए, तब गुरु का सम्मान बढ़ जाता है कि गुरुदेव के ऐसे ऐसे श्रोता हैं, इतने ईमानदार हैं, इतने त्याग है उनके अंदर कि पूरी पूरी पर्स मिल गई और फिर भी चुराया नहीं, लिया नहीं, अनाउंस करवा के हमको दे दिया, पूरा मोबाइल मिल गया लेकिन मोबाइल भी अनाउंस करके हमको वापस मिल गया। क्या याद रखना, जिंदगी में एक मोबाइल किसी का रख भी लोगे उससे कोई जिंदगी चलने वाली नहीं है, और मोबाइल वापस कर दोगे जिंदगी भर धन्यवाद के पात्र बने रहोगे। इसलिए चोरी मत करना, चोरी करके घी भी मत खाना। कितने लोग घी चुरा के खा लेते, जो चोरी करके घी खाता है। घर में भी चुरा के नहीं खाना है, घर में भी सब खुल्लम खुल्ला खाना है। राजेंद्र तुम धन्य हो, आज से तुम ऐसा सिखाओगे सबका घी खत्म ही हो जाए कर ले। धन्यवाद है। चुपके से चुरा कर जो घी खाता है वो बिना हाथ धोए घी निकाल लेता है, और फिर जूठे हाथ से भी घी निकाल लेता है। और जिस घर के लोग, ये महाभारत के 5वें स्कंध में लिखा हुआ है, जिस घर के लोग जूठे हाथों से घी निकालते हैं और खाते हैं, जिस घर में मेहमान का स्वागत नहीं होता है, और जिस घर का सामान बिखरा हुआ पड़ा रहता है, और जिस घर में गंदगी बहुत रहती है, और जिस घर के लोग गालियां बकते हैं, उस घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। इसलिए जूठे हाथों से घी निकाल कर नहीं खाना चाहिए। सफाई शुद्धता रखो। भागवत का वो महाभारत का 5वां स्कंध समझा रहा है, चोरी हिंसा व्यभिचार, सदाचारी बनो व्यभिचारी मत बनो। और याद रखना, ये आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, आपका मन, जितना इसको चंचल बनाओ उतना ये चंचल होता चला जाता है। तुम पढ़ने के लिए बैठो तो मन पढ़ने में लगता नहीं, लेकिन जबरदस्ती इस मन को समझा करके लगाओ तो धीरे धीरे मन पढ़ने में लग जाता है, तो ये पढ़ने में ही डूबा रहता है। कोशिश कीजिए, अभी भी मैं पढ़ने के लिए बैठता हूं, श्लोक पढ़ता हूं, दोहे पढ़ता हूं, चौपाइयां पढ़ता हूं, और पढ़ने में मन बहुत लगता है। दुनिया में लोग कहते हैं पढ़ना बहुत कठिन है, लेकिन मैं कहता हूं पढ़ना बहुत सरल है और पढ़ना बहुत सुखदाई है। पढ़ने से ज्यादा पवित्र काम और है क्या? खेत में काम करो मिट्टी लग जाती है, और सड़क पे चलो तो धूल लग जाती है, गाड़ी साफ करो तो कीचड़ खुद के लग जाता है, लेकिन पढ़ाई करो तो उसमें कुछ भी नहीं लगता है। आराम से साफ जगह बैठे रहो और पढ़ते रहो, गुनगुन गुनगुन करते रहो, इसलिए पढ़ा करो। और पढ़ने के बाद एक फायदा और है, वो फायदा ये है, तुम 4 भाई हो, चारों भाई में एक दिन बंटवारा होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 20 साल के बाद बंटवारा होगा।
बंटवारा होगा, सामान बट जाएगा, कपड़े बट जाएंगे, गाड़ियां बट जाएंगी, मकान बट जाएगा, ईंटें बट जाएंगी, रुपये बट जाएंगे, सोना चांदी बट जाएगा, बर्तन बट जाएंगे, जमीन जगह बट जाएगी, सब बट जाएगा, लेकिन जो तुमने पढ़ाई किया है, जो विद्या अर्जित किया है, वो कोई बांट नहीं सकता है। इसलिए विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। मैंने संन्यास ले लिया, घर से आया, वो घर का काम सब जो भी किया वही छूट गया, लेकिन जो विद्या प्राप्त किया था वो मेरे साथ आ गई। ये हमारे साथ जितने संत आ गए, इनमें जो कला थी, गुण था, हुनर था, विद्या थी, वो इनके साथ आ गई, बाकी सब उधर छूट गया। इन्होंने जो भी घर वर बनाया हो, जैसा किया हो, इसलिए विद्या धन, विद्या मित्रम प्रवासेश, विद्या को विदेश में मित्र माना गया है। तुम विदेश जाओ, तुम्हारा थैला खो सकता, मोबाइल खो सकता, पैसे खो सकते, सामान खो सकता, आइडेंटिटी कार्ड खो सकता, लेकिन तुम्हारी बुद्धि और विद्या और कला ये नहीं खो सकती है। तो जिसके पास विद्या बुद्धि कला है, वो व्यक्ति का सब कुछ खो जाए लेकिन फिर भी रास्ता निकल आता है। इसलिए विद्या सीखिए। विद्या ददाति विनयम्, विद्या हमें विनम्रता देती है, अर्थात जिसके पास विनम्रता होती है उसी को विद्या आती है। साहिब बंदगी बोले साहिब, तो तन थिर और मन थिर, मन के चार दुर्गुण होते हैं, यदि इन चार दुर्गुणों को जीत लो तो समझ लो तुम्हारा मन स्थिर हो गया है। कौन कौन दुर्गुण है? मन का पहला दुर्गुण है क्रोध, दूसरा दुर्गुण है मान, मान माने अभिमान, तीसरा दुर्गुण है क्रोध मान, छल, मन के अंदर छल भी भरा रहता है, क्रोध मान छल ईर्ष्या, ईर्ष्या भी मनुष्य के मन में भरी रहती है, दूसरे का बढ़ता हुआ नाम देख करके जलन होने लगती है, खलन होने लगती है, सीने पर सांप लौट जाते हैं, किसी का बनता हुआ काम देख करके बड़ी छटपटाहट होने लगती है। इसलिए कहते हैं आदमी अपने नुकसान से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरे के फायदा से परेशान है। आदमी अपनी झोपड़ी में दुखी नहीं है लेकिन पड़ोसी के महल को देखकर दुखी हो जाता है। आदमी अपनी साइकिल से चलने में उतना दुखी नहीं है जितना दूसरों को कार में चलता हुआ देखकर दुखी हो जाता है। और याद रखना, दूसरों को कार में चलता हुआ देखना तो मन में ये सोचना कि हे गुरुदेव, इसको कार मिली है, कभी मुझे भी आशीर्वाद देना, मुझे भी कार मिले तो किसी का परोपकार करूं, कार से भी परोपकार कर दूं। तुम्हारे पास में जितने वाहन हो, संसाधन हो, उनको कभी कभी परोपकार में भी लगाया करो। कोई अच्छा काम कर रहा है उसकी हेल्प में लगा दिया करो। लखीमपुर खीरी में सत्संग था, विकास गुप्ता ने सत्संग किया, उनके पिता श्री रमेश गुप्ता, उनकी मां सुमन गुप्ता, भाई अभिलाष गुप्ता। अभिलाष गुप्ता के अंदर ज्यादा भक्ति थी तो माँ ने कहा कि ज्यादा भक्ति है तो सत्संग कराओ इनका। फिर विकास गुप्ता ने मैनेजमेंट किया, विकास गुप्ता कोई साधारण व्यक्ति नहीं, छोटी सी उम्र, बचपन, अभी शादी भी नहीं हुई, अकेले इतने बड़े प्रोग्राम का मैनेजमेंट किया,
और वहां पर मोहन वाजपेयी आए। मोहन वाजपेयी ने कहा मेरे पास में 40-50 बसें हैं, तो गुरुदेव यदि भक्तों को लाने के लिए, ले जाने के लिए, पहुंचाने के लिए बस की आवश्यकता हो तो आज मेरी बस परोपकार में लग सकती है। 20 बस ले जाओ, 10 जहां आदेश कर दो वहां बस भेज दूंगा। तो मैंने अपने संत से कहा एक बार ट्राई कर लो। एक गांव को उनकी बस भेजा, 60 सवारी की बस, उसमें 90 लोग बैठ कर आए उस गांव से। तो मैंने कहा पहले से सेटिंग होती तो इसकी 50 बसें भेज देते, गजब हो जाता है, 4500 आदमी तो यूं ही आ जाता है। उसने कहा ये बसें सब किराए से चलती है, सब पैसा रोज आता है, लेकिन एक दिन हमारी बस परोपकार में लगनी चाहिए, आपकी गाड़ी भी परोपकार में लग जाए, कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी, आपकी भैंस का दूध भी परोपकार में लग जाए, कभी कभी, किसी के यहां कन्या का विवाह हो, अगर वो आवश्यकता समझता है तो दूध दीजिए उसको। आज की 30-40 वर्ष पहले गांव में जब किसी के यहाँ विवाह होता था तो लोग बिना कहे अपने अपने घर का पूरा दूध उसके घर पहुंचा देते थे, ऐसा मैंने बचपन में देखा है। सहयोग करना बहुत बड़ा धर्म माना गया है। तो मन का पहला दोष है क्रोध। आपके मन में क्रोध आता है, लेकिन इस क्रोध को यदि आप बस में कर लेते हो, मन में तो आया है लेकिन आप प्रकट नहीं करते हो, अंदर अंदर उसको खत्म करते हो, सह लेते हो, गम खा लेते हो। और ये क्रोध कोई साधारण चीज नहीं है, क्रोध के कारण ससुर दामाद के संबंध बिगड़ जाते हैं, क्रोध के कारण पिता पुत्र के रिश्ते टूट जाते हैं, क्रोध के कारण पति पत्नी में जंग छिड़ जाती है, और क्रोध के कारण भाई भाई में मनमुटाव हो जाता है, और क्रोध के कारण याद रखना मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। इसलिए अपने अपने क्रोध को जरा कंट्रोल कीजिए, क्रोध के स्थान पर करुणा पैदा कीजिए और सहनशीलता रखिए, क्षमा मांग लीजिए, गम खा लीजिए और इस क्रोध के काल को कंट्रोल कर लीजिए।